और कोरबा में भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे ने अष्टमी पर निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया, जहां सरोज पांडे ने नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से चर्चा की। वहीं सरोज पांडे ने चर्चा करते हुए कहा कि महाअष्टमी पर्व पर अपना नामांकन दाखिल आशीर्वाद मिलेगा, साथ ही कहा कि जनता के बीच विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाकर समर्थन मांगा जा रहा है। और इस दौरान कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह सहित भाजपा के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। शक्ति और भक्ति का ये पर्व है और शक्ति और इस भक्ति के पर्व को हम सब बहुत आस्था के साथ मनाते हैं। आज महाअष्टमी है, महाअष्टमी के अवसर पर आज मैंने अपना नामांकन दाखिल किया है और माता का आशीर्वाद मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, मैं ऐसा मानती हूँ। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रही हैं? बहुत आशीर्वाद लेगा, बाकी 18 को हम फिर जब भरेंगे पार्टी के साथ में अपने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के साथ में, इस समय पूरी बातें करेंगे। पूरा लोकसभा कांग्रेस बोल रही है 4 से 5 सीट हमारी आ रही है, इसमें क्या कहना चाहते हैं? कोई सपने देखे, सपने देखने से किसने किसको रोका है? सपने तो सपने ही हैं, सच में नहीं बदलते हैं। लगातार आप कोरबा लोकसभा दौरा कर रही हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही हैं? विकास का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा। पिछले सालों में यहाँ पर विकास शून्य रहा, भ्रष्टाचार असीम रहा और जो तात्कालिक जनप्रतिनिधि हैं वो जनप्रतिनिधि उसके लिए जिम्मेदार हैं। इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में। Thank you.